राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ वन परिक्षेत्र के रानीगंज ढारा बीट में शिकार के लिए शिकारियों ने करंट बिछाया था, जिसकी चपेट में आकर एक भालू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना वन विभाग को मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डोंगरगढ़ क्षेत्र में शिकार के लिए शिकारियों द्वारा करंट बिछाया जा रहा है, जिससे लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। वही वन विभाग इस ओर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिससे इस तरह की घटना हो रही है। वही इस पूरे मामले पर रेंजर रतिराम कुर्रे से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बीते दिनों बुधवार की शाम एक नर भालू की करंट लगने से मौत हो गई। पूरा मामला डोंगरगढ़ सामान्य वन परिक्षेत्र के धारा बिट का है। वहीं जब हमने इस पूरे मामले को लेकर यहां के रेंजर कुर्रे जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे मीडिया में कोई भी बयान देने की आवश्यकता नहीं है, जाँच जारी है। इसे क्या माना जाए ये आप सहज जी समझ सकते हैं कि 72 घंटे बीतने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई भी संतोषपूर्ण जवाब कैमरे के सामने आकर नहीं दिया जा रहा है। सरकार बदली है, भाजपा के शासन काल में कांग्रेस द्वारा यह आरोप लगाया जाता था कि अधिकारी वर्ग राज कर रहा है, शासन बदला, 15 सालों का वनवास काट के कांग्रेस आई है और कांग्रेस के राज में भी यही देखने को मिल रहा है कि जो अधिकारी वर्ग है वो अपनी मनमानी करता दिखाई दे रहा है। आम जनता को उन्हें बताना यह जरूरी नहीं लगता कि एक अमुक जानवर जो कि बोलने में सक्षम नहीं है उसकी मौत हो जाती है और पूरा विभाग जो है सिर्फ और सिर्फ जंगल की लड़ाई लड़ता है ये दावा करता है, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। पूरे मामले पर अधिकारी मौन है, मोबाइल में लग गए, हमने जब उनसे पूछना चाहा, जो आप विजुअल में देख सकते हैं। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि ऐसे अधिकारी क्या जो फॉरेस्ट विभाग है उसका संचालन सुचारू रूप से कर पाएंगे, या उच्च अधिकारी और शासन में बैठे वन मंत्री क्या ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्यवाही करते हैं। मैं शशांक उपाध्याय, राजनांदगांव डोंगरगढ़ से।